हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाज कल्याण विभाग में आई सीधी भर्ती की। जी हां दोस्तों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वैकेंसी के लिए केवल आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म को आपको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे भर के कहां पर जमा कराना है, सारी जानकारी देंगे। जी हां दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को कहां पर जमा कराना है। साथ ही साथ ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से शिकायत भी रहती है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रोजाना सरकारी नौकरी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं समाज कल्याण विभाग में आई सीधी भर्ती की। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है, इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। सबसे अच्छी बात है, यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के सीधी भर्ती के तहत आपका सिलेक्शन रहेगा। सैलरी 15,000 कम से कम आपको मिलेगी और अधिकतम जो सैलरी है वो 60,000 रुपए तक आपको मिलेगी। मतलब कि यहां पर सैलरी 15,000 से 60,000 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। ऑल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट 18 से 43 साल है। इस भर्ती की पूरी जानकारी और आवेदन करने का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो जल्दी से गूगल में सर्च करें www.tipswarrantbus.xyz। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। पोस्ट की बात करते हैं तो यहां पर कंसल्टेंट की पोस्ट है, अकाउंटेंट की है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है, सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, डीईओ की पोस्ट है, ऑफिस मैनेजर की है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी भी देखने को मिल रही है और 113 पदों पर यह वैकेंसी निकाली जा रही है। इस वैकेंसी के लिए केवल आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, फॉर्म भर के बाय पोस्ट आपको अप्लाई करना होगा और यहां पर केवल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन रहेगा। 15,000 से लेकर 60,000 रुपए तक की महीना आपको सैलरी मिलेगी, एज लिमिट 18 से 38 साल है और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स के हैं तो आपको आईसीयू मा की छूट भी दी जाएगी जो कि सरकार के नियम अनुसार होगी। एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल के लिए 500 रुपए है, वहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए 300 रुपए है। पेमेंट आपको ऑफलाइन ही करना होगा। क्वालिफिकेशन 10, 12 और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने का पूरा प्रोसेस यहां पर दिया गया है। आवेदन की जो लास्ट डेट है 8 फरवरी 2020 है, तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। यहां पर आपको नोटिफिकेशन के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे और यहां पर नोटिफिकेशन में आपको जो है भर्ती की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी और यहां पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा जिस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भर के जमा कराना होगा। तो यहां पर एड्रेस भी दे रखा है, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर साफ साफ दिया गया है, सोशल वेलफेयर डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर नियर सेकंड एमआर गेट एटी लाइन इम्पाल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एड्रेस भी दे रखा है। 8 फरवरी से पहले आपको इस एड्रेस पर फॉर्म को भर के भेजना होगा। इसी नोटिफिकेशन के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। आप नीचे जाएंगे तो यहां पर यह एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करके भरना है और भरने के बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसकी आपको फोटोकॉपीज लगानी होगी अटेस्टेड करके। ठीक है, और सिग्नेचर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो फिल करके आपको फॉर्म को भर के जमा कराना होगा। तो ये थी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।